हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरडीए प्रेप। माय नेम इज समीर सरवाना। सो बच्चा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सीरीज। एक नया सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्हिच इज नोन एज टेस्ट योर ब्रेन पावर। टुडे इज एन एपिसोड नंबर 1। व्हाट वी आर गोना डू इन दिस सीरीज इज डेली बेसिस पे एक एपिसोड अपलोड होगा। वेरी सून वी ऑल्सो बी हैविंग द लाइव सेशन ऑन दिस सीरीज, बट टुडे इज एन एपिसोड नंबर 1। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो जिसमें चेन लिंक पजल बेस्ड एक पजल हम डिस्कस करेंगे। सिमिलर टू दिस, एवरी डे वी आर गोइंग टू कवर वन स्मॉल पजल, राइट? This will help you a lot, developing your logical skills on daily basis, and also it will give you exposure to varieties of different type of puzzles, right? So guys, let's start the episode number 1. Start karte hain bachcho. Let's have a look at this set, chain link puzzle. Go through the information and give it a try by yourself first, right? Ek baar khud se zarur try kijiye bachcho is set ko, right? Only then, after you try this, then watch the solution. आपको समझने में आसानी होगा। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन इन ए मच मच बेटर वे। लेट्स हैव अ लुक एट इट गाइस। क्वेश्चन सेज देयर इज अ चेन विद एन लिंक्स। द लिंक्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 टू 10। बॉन्ड्स वांट टू कट द लिंक इनटू ग्रुप्स ऑफ वन और मोर लिंक्स इन सच अ वे दैट ही कैन गिव क्यू एनी नंबर ऑफ लिंक्स ही और शी मे आस्क फॉर फ्रॉम नंबर 1 टू 10। वन कट मींस दैट अ लिंक इज कट एट वन प्लेस एज शोन इन द फिगर। सो बच्चों, एक चेन ऑफ लिंक आपको दिया हुआ है। And you can cut this chain of link, and you can place that cut anywhere you want. But see that, agar, as per this given example, the cut has been made over here, right? So if you are placing a cut here, agar aap yahan se cut kar rahe ho chain ko, to ye singlet as it is bahar aa jayega. And this complete singlet, jisko cut nahi kiya, wo bhi isi raaste se bahar aa jayega. And this link of this chain of 4 links, इसको भी आप इसी रास्ते से बाहर कर सकते हो। सो एक कट की वजह से आप पूरे चेन को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सो वन थिंग दैट यू नीड टू ऑब्जर्व इज द वन कट इन द लिंक विल गिव यू 3 पीसेस ऑफ द चेन। कहीं भी कट लगाओगे, अगर आपने यहां पे कट लगाया तो ये सिंगलेट बाहर आ जाएगा, और ये दोनों का सिंगलेट, ये दोनों दो लिंक्स का चेन भी इसी कट से बाहर आएगा, एंड देन यू हैव अनदर चेन ऑफ 3 लिंक्स, राइट? सो वन कट विल डिवाइड द चेन इनटू 3 ग्रुप्स। दैट्स अ वन ऑब्जर्वेशन दैट यू आर सपोज्ड टू मेक। ये पहला आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, और ये आपको समझ में आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन में एक ही कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करना है, कि बॉन्ड शुड बी इन ए पोजीशन टू पे एज मेनी लिंक्स एज क्यू डिमांड्स। दैट मींस, अगर फॉर एग्जांपल इन दिस केस, अगर बॉन्ड ने 6 चेन की लिंक को, लेट्स से एन इज 6, राइट? एन इज 6, 6 लिंक का हमारे पास चेन है, और बॉन्ड ने यहां से कट किया। सो अगर क्यू ने 1 लिंक का डिमांड किया, देन यस, बॉन्ड विल गिव दिस 1 कंप्लीट सिंगलेट। तो 1 का डिमांड तो पूरा हो जाएगा, बट अगर क्यू ने 2 का डिमांड किया तो वो भी पूरा हो जाएगा बाई कंबाइनिंग दीज 2 सिंगलेट, राइट? बट अगर क्यू ने 3 का डिमांड कंप्लीट किया तो देन बॉन्ड विल नॉट बी इन ए पोजिशन टू गिव 3 लिंक्स, राइट? सो क्या बॉन्ड को 6 लिंक्स वाली चेन को इस तरह से कट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, राइट? बिकॉज देन ही विल नॉट बी एबल टू पे 3 लिंक्स। अगर क्यू ने 3 लिंक्स का डिमांड किया तो नहीं कर पाएगा। सो क्या करना चाहिए, राइट? व्हाट शुड बॉन्ड डू इफ ही वांट टू मीट अ डिमांड ऑफ 3? सो बॉन्ड, वन कट की वजह से आपको एक सिंगलेट तो बाहर मिलने ही वाला है फॉर श्योर, राइट? सो वन कट विल डेफिनेटली गिव मी अ वन सिंगल लिंक। वन लिंक तो, एक लिंक का सिंगलेट तो डेफिनेटली बाहर आएगा एक कट की वजह से। सो बॉन्ड शुड ट्राई टू थिंक कि वन सिंगलेट तो मेरे पास है, सो द नेक्स्ट थिंग आई शुड बी लुकिंग फॉर वुड बी अ चेन ऑफ 2 लिंक्स, राइट? तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द कट एट हियर, बॉन्ड शुड बी मेकिंग द कट ओवर हियर। सो व्हाट विल हैपन इफ द बॉन्ड इज मेकिंग द कट ओवर हियर? बॉन्ड अगर यहां कट करेगा तो उसको 3 पीसेस मिलेंगे, बट इन दीज 3 पीसेस ही विल हैव अ कंबाइंड लिंक ऑफ कंबाइंड चेन ऑफ 2 लिंक्स। एक ब्रोकन वाला लिंक मिलेगा, एंड देयर वुड बी अ चेन ऑफ 3 लिंक्स, राइट? नाउ यू सी दैट 1 का डिमांड कंप्लीट हो जाएगा विद दिस सिंगलेट, 2 का डिमांड कंप्लीट हो जाएगा विद दिस 2 लिंक्स, 3 का डिमांड इससे भी पूरा हो सकता है और इन दोनों को कंबाइन करके भी पूरा हो जाएगा, राइट? 4 का डिमांड 3 प्लस 1 से पूरा हो जाएगा, 5 का डिमांड 3 प्लस 2 से पूरा हो जाएगा, और 6 का डिमांड इन सारे सिंगलेट्स को कंबाइन, इन सारी चेन्स को कंबाइन से करने पे हो जाएगा, राइट? नाउ यू सी दैट जो 3 का डिमांड था, दिस कुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय दिस एज वेल एज बाय दिस आल्सो, राइट? सो एक ही डिमांड को पूरा करने की दो ऑप्शंस नहीं होने चाहिए, बिकॉज इन दैट वे
अगर उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ डिमांड्स को पूरा करना है, सो व्हाट शुड बॉन्ड बी डूइंग? बॉन्ड के पास एक चेन ऑफ लिंक 7 का होना चाहिए। अगर 7 का होगा तो 1 की डिमांड को कंप्लीट करेगा, 2 की डिमांड को भी कंप्लीट करेगा, 3 की डिमांड को भी कंप्लीट कर सकता है इन दोनों को कंबाइन करके, 4 का चेन देने से भी कंबाइन हो जाएगा, 5 का कमांडिंग डिमांड भी पूरा होगा, 4 प्लस 1 5 राइट, 6 कैन आल्सो बी कंप्लीटेड 4 प्लस 2 6, 7 कैन आल्सो बी कंप्लीटेड बाय कंबाइनिंग ऑल 7। सो द मैक्सिमम विद वन कट, विद वन कट बॉन्ड कैन मीट द डिमांड ऑफ 7 लिंक्स। अगर एक कट की वजह से, एक कट की वजह से ही कैन गिव एनी नंबर ऑफ लिंक्स अप टू 7 राइट। अगेन क्या एक कट से 8 का डिमांड कंप्लीट हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज अगर मैं इस चेन को 5 लिंक्स का बनाऊंगा देन बॉन्ड विल नॉट हैव एनी ऑप्शन टू पे 4 लिंक्स राइट। सो विद वन कट बॉन्ड इज इन ए पोजीशन टू पे लिंक्स अप टू 7। नाउ जस्ट ट्राई टू एनालाइज इट राइट। इसका थोड़ा सा एनालिसिस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, एंड दैट एनालिसिस इज दिस, दैट कट आई एम राइटिंग डाउन द नंबर ऑफ कट्स हियर राइट, नंबर ऑफ कट्स। सो द नंबर ऑफ कट्स आर 1, the number of groups, or you can say the number of pieces of chain that you will be getting, the number of pieces of the chain that you will be getting, pieces, right? Right. The number of pieces that you'll be getting would be 3, right? 3 piece aapko chain ke milenge, right? Now, and the maximum number of, or jo pieces milne wale, usme, right? If I further categorize the number of pieces, उसमें एक पीस 1 का होगा, देयर विल बी पीस ऑफ 2, देयर विल बी चेन ऑफ 2 लिंक्स, एंड देयर विल बी चेन ऑफ 3 लिंक्स, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिमांड्स दैट ही कैन कंप्लीट वुड बी 7। 7 की डिमांड को वो कंप्लीट कर पाएगा राइट। सो लेट्स डू इट ओवर हियर नाउ। सो नाउ इफ लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट 2 कट्स राइट, इफ बॉन्ड कैन मेक 2 कट्स इन अ चेन, दैट 2 कट की वजह से आई नो दैट कि उसको दो ब्रोकन सिंगलेट डेफिनेटली मिलेंगे। He will definitely be able to make 2 singlet. दो कट होने की वजह से जहां से भी चेन को कट करेगा दो सिंगलेट वहां से बाहर निकलेंगे, तो 1 का डिमांड तो इससे कंप्लीट हो जाएगा, 2 का डिमांड इन दोनों को कंबाइन करने से हो जाएगा। सो बॉन्ड शुड थिंक कि अगर नेक्स्ट डिमांड उसे कंप्लीट करना है तो ही नीड टू हैव अ लिंक ऑफ 3 चेन, तो उसके पास एक 3 का चेन का लिंक डेफिनेटली होना चाहिए। यस नो, क्योंकि 2 का डिमांड तो ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा है राइट। सो अगर 3 का होगा तो ये चेन को यूज करके वो 3 का डिमांड भी, 3 लिंक्स का भी पेमेंट हो सकता है राइट। एंड इफ ही इज सपोज्ड टू डू द पेमेंट ऑफ लेट्स से 4 लिंक्स, तो 3 प्लस 1 4 भी हो जाएगा, 5 लिंक्स का कंबाइन करना है तो 3 प्लस 4 प्लस 1 5 भी हो जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज द 6, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू पे 6 लिंक्स, सो व्हाट शुड ही डू? तो दो कट करने हैं, तो दो कट की वजह से जो नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे मुझे राइट, नंबर ऑफ ग्रुप्स जो बनेंगे, the number of groups that you will be able to make would be 4. Why? Because if this is my chain and agar main yahan pe do cut kar raha hu, so you see that ek group aapko ye milega, ek group aapko ye milega, and there will be one group that you will be getting this, and you will be getting 2 links also right. Right, ek cut mein you see that one cut ke andar aapko number of pieces mile 3, aur do cut ke andar aapko jo number of group pieces milenge that would be 5. One would be the singlet, yes, you see that? एक यहाँ से singlet निकलेगा, एक यहाँ से singlet, और 3 segment आपको मिलेंगे, तो total number of pieces आपको 5 मिलेंगे। So जिसमें एक दो singlet तो ये हो गए, एक segment 3 का होगा। अभी 3 के बाद the next number of links जो उसको payment करना है वो 6 का है, जो उसके पास option नहीं है, तो he need to make a cut in such a way कि जो अगला link होना चाहिए उसके अंदर 6 links होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, because 5 तक का payment, he has an option of payment, of doing a payment up to 5 links, so एक chain उसको 6 links का चाहिए होगा, right? Okay, अभी 6 का आ गया, तो 6 plus 1, तो 7 का payment भी हो जाएगा, 6 plus 1 plus 2, 8 का payment भी हो जाएगा, 6 plus 3, 9 का payment भी हो जाएगा, 6 plus 3 plus 1, 10 का payment भी हो जाएगा, और कंबाइन करने से 11 का पेमेंट भी हो जाएगा। प्रॉब्लम विल कम आउट फॉर 12 राइट, 12 का पेमेंट नहीं हो पाएगा। सो बिकॉज़ उसको टोटल नंबर ऑफ पीसेस जो मिलने वाले हैं दैट विल बी टोटल 3 पीसेस और 5 पीसेस, जिसमें से दो तो ये हो गए, दो ये 4, एक पीस अभी और भी उसको मिलेगा, तो जो फिफ्थ पीस होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ 12 लिंक्स राइट।
12 rings, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अभी 12 ये चेन से, ये चेन की वजह से ये 12 का लिंक भी कंप्लीट हो जाएगा. Now 12 plus 1, 13 भी हो जाएगा, right? 12 plus 1 plus 2, 14 भी हो जाएगा. 12 plus 3, 15. And 12 plus 3 plus 1, 16 हो जाएगा. इनको कंबाइन करने से 17 भी हो जाएगा. 12 plus 6, 18 हो जाएगा. 18 के बाद इन दोनों को मैं इसे, अगर ये वाला लिंक भी साथ कंबाइन करूंगा तो 19 लिंक का पेमेंट. इन दोनों के साथ ये लिंक कंबाइन करूंगा तो 20 लिंक्स का पेमेंट. 18 प्लस 3, 21 का पेमेंट भी हो जाएगा. 21 के साथ एक और कंबाइन करो 22 हो जाएगा. 22 के साथ एक और कंबाइन करो तो 23 का पेमेंट भी हो जाएगा. सो मैक्सिमम विद थ्री कट, अगर दो कट, सॉरी दो कट अगर उसको लगाने हैं, सो ही विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ रूट्स, द नंबर ऑफ पीसेस, जो चेन के जो नंबर ऑफ पीसेस बनेंगे, दैट नंबर ऑफ पीसेस विल बी इक्वल टू 5. और ये 5 पीसेस की हेल्प से ही विल बी एबल टू पे डू द पेमेंट अप टू 23 लिंक्स, राइट? नाउ जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द, नाउ जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द होल पैटर्न. वन लिंक, राइट? अगर आप कट कट जो है, अगर आपका एक कट लगा तो जो ग्रुप्स बन रहे चेन के, और यू कैन से द नंबर ऑफ पीसेस दैट यू आर एबल टू मेक, नंबर ऑफ पीसेस, एक कट की वजह से 3 ग्रुप्स, राइट? और ये ग्रुप्स कौन-कौन से हैं? एक सिंगलेट मिलेगा, राइट? वन सिंगलेट वुड बी देयर, राइट? वन के बाद द नेक्स्ट ऑप्शन जो हमने देखा था, एक कट की वजह से देयर वाज अ चेन ऑफ टू लिंक्स, राइट? एक चेन मिला दो लिंक वाला, एंड देन देयर वाज अ वन चेन ऑफ थ्री. एंड मैक्सिमम पेमेंट जो हुआ, मैक्सिमम पेमेंट जो हो सकता है, राइट? सॉरी, दिस वाज फॉर 4, नॉट ऑफ, दिस वाज ऑफ 4. सो मैक्सिमम पेमेंट 4 प्लस 2 प्लस 1, दैट विल बी ऑफ 7. सो अप टू 7, अप टू 7 लिंक का पेमेंट एक कट की वजह से हो सकता है. नाउ इफ आई हैव टू कट, दो कट होंगे तो नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे 5. कौन कौन से? दो सिंगलेट और ये जो तीन सेगमेंट निकल के आएंगे, राइट? यू सी दैट? देन दिस ऑफ हियर, राइट? एक ये जो सिंगलेट निकलेगा, एक यहां से सिंगलेट निकलेगा, एक बीच में से सेगमेंट निकलेगा और एक आखिरी में से सेगमेंट निकलेगा, राइट? सो नंबर ऑफ ट्रूप्स बनेंगे 5, जिसमें दो तो सिंगलेट है आपके पास, यू हैव अ टू सिंगलेट ऑफ वन, राइट? दो सिंगलेट चेन्स निकले एंड देयर इज अ वन वन चेन ऑफ 3 लिंक, नेक्स्ट चेन इज ऑफ 6 लिंक, and 6 ke baad agli chain hai 12 ki, and the maximum payment that you can do is of 23. 12 plus 6 18, 18 plus 3 21, 21 plus 1 22, 21 plus 1 23, right? So now you see, agar mere paas number of cuts honge 3, agar 3 cut lagaye to jo number of groups banenge, now just think it, right? I am placing 3 cut here, so 3 cuts mein mere ko 3 singlet broken milega, right? One segment ye, एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स जो बनेंगे, द नंबर ऑफ ग्रुप्स विल बी इक्वल टू 7. अब 3 कट है तो आपको 3 सिंगलेट मिलेगा, राइट? सो नाउ थिंक लॉजिकली, अगर 3 सिंगलेट आपके पास है तो आप 1 का पेमेंट भी कर सकते हो, 2 का भी कर सकते हो, 3 का भी कर सकते हो. तो नेक्स्ट पेमेंट में आपका प्रॉब्लम आएगा, वो आएगा 4 लिंक्स का, 4 का पेमेंट करने में. तो अगला जो होना चाहिए वो 4 का होना चाहिए. नेक्स्ट, नाउ जस्ट ऑब्जर्व द पैटर्न, कि वंस यू फाइंड आउट कि जो वन से बड़े वाला सेगमेंट है, इफ इट इज ऑफ टू लिंक्स, तो उसका अगला उसका डबल बन रहा है. दो कट के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट चेन बन रहा है नंबर ऑफ लिंक्स का, जिसमें वन से ज्यादा लिंक्स है, दैट इज ऑफ 3, तो उसके बाद 3 से 6, 6 से 12. इस केस में अगर 4, अगर दिस इज अ 4 हियर, द नेक्स्ट विल हैव 8, नेक्स्ट विल हैव 16, एंड नेक्स्ट यू हैव 32. इसमें 32 तक का बनेगा, राइट? So, अगर 32 तक का बनेगा, the number of payments that you can do would be, just add them up, 48, 54, 58, 58 plus 3, 61, sorry, 48 plus 8, 56, 56 plus 4, 64, 64 plus 3, 63, right? Now, observe one thing, so the maximum payment that you have here is, this number, you can see the largest chain, जो सबसे बड़ी जो chain बन गई है, जिसके अंदर link सबसे ज़्यादा है, that number is an average of this and this. 1 plus 7 average is 8. 1 plus 7, 8. 8 by 2, 4. And you see that here? 1 plus 23, 24. 24 ka average 12. 1 plus 63, 64. 64 ka average is 32. Now you see that if the number of cuts are 4, then the number of groups that you have would be equal to 9, right? And you can also see a pattern in the number of groups. 1 say group bana 3, that is,
the group का जो formation है, it is 2n plus 1, n is the number of cut. So 2 है 2 into 2 plus 1, 3 है तो 2 into 3 plus 1, 4 होगा तो 4 into 2 plus 1. अभी इसके अंदर 4 singlet आपको मिलेंगे, 1, 2, 3 and 4. Next जो singlet मिलना चाहिए, right? You see that 3, 3 plus 1, 4, 2, 2 plus 1, 3, 1, 1 plus 1, 2, 4, 4 plus 1, 5. 5 के बाद अगला बनना चाहिए 10 का chain, next 15 का chain, 20 का chain. टोटल बनाने है 9, तो अगला बनना चाहिए 14 का, right? And the maximum payment that you can do would be 40 will be the average, so total will be 18, so up to 18 का जो payment होगा वो इससे हो जाएगा, right? You'll be able to do the payment with 80, till 80. So with 4 cut, addition, I need to do the addition again. 40, 60. 32 cut double 64, right? So addition here has to be 1, 2, 3, 4, 5, 10. Sorry, यहाँ पे गलती किया, 10 के बाद 15 नहीं आएगा, 10 के बाद 15 नहीं आएगा, 10 के बाद 20 आएगा, right? So this is the, so 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 40 and 40 to 80, right? So 80 is an average, so total has to be 160. And 160 के अंदर 1 already है, so 80 has to be the average of minimum and the maximum, right? So the maximum payment that you can do would be 80 is the average, total has to be 160, this is 1, so the maximum payment has to be 159, right? अब ये सारी values को add करोगे तब, so if I'm placing 4 cut, I will be able to pay as many links, right? किसी भी up to 159 का जो भी payment मुझे करना है वो 4 cut से possible हो सकता है, maximum 159. Question cut, what was the question? Question says, what is the minimum number of cuts that bond should make with the n is equal to 49? So 149 link ka payment karna hai, agar 149 ka chain hai. So see that, 3 cuts se maximum payment 63 tak ho sakta hai, isse zyada nahi. 159 ka payment 4 cuts se hoga. So you see that 149 jo hai, 63 se bada hai, 159 se chota hai. So in this case, the minimum number of cut that bond will be able to make would be 4. Right? So, उसका जो लास्ट वाला जो चेन होगा, राइट, 4 कट की वजह से 149 का अगर आपके पास चेन है, इफ बॉन्ड हैज अ चेन ऑफ 149, तो पहला कट बनेगा 1 का, तो 4 सिंगलेट आपको मिलेगा, राइट, नेक्स्ट में 5 लोगे, नेक्स्ट में 10, नेक्स्ट में 20, नेक्स्ट में 40, जो फिफ्थ जो चेन बनेगा दैट वुड बी दैट, इसका टोटल करो, व्हाट विल द टोटल ऑफ इट, 4 प्लस 5 9 प्लस 10 Sorry, 40, 60, 70, 75, 79. 79. So 149 का total chain है, उसमें से 79 subtract करो, subtract 79 from it, this is 70. So the last वाला chain बनेगा, that would be of length of 70. Right? Because इसमें complete numbers नहीं बन रहे, आपको maximum नहीं पूछा हुआ है, 149 का अपने को total chain दिया हुआ है, so 4 cut से जिसमें आपको 4 सिंगलेट मिलेगा, एक 5 वाला चेन, एक 10 वाला, एक 20 वाला, एक 40 वाला, और बाकी जो बच जाएंगे दैट विल बी दैट नीड टू बी टेकन टू लास्ट, लास्ट वाले में अप टू 80 कितने भी आप ले सकते हो. सो इस तरह से अगर कट होंगे देन ही विल बी एबल टू डू द पेमेंट ऑफ एज मेनी लिंक्स एज डिमांडेड बाय क्यू. सो द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स दैट आर रिक्वायर्ड विल बी 4. सो आंसर द क्वेश्चन इज 4. दैट्स अ कंप्लीट कांसेप्ट ऑफ लिंक्स ऑप्शन. देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन सॉल्व. इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों. आई हैव कवर्ड दिस होल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इन वन पजल, राइट, जिसके अंदर 5 से 6 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने कवर किए. देयर इज एन एपिसोड नंबर 57 ऑफ 30 मिनट्स डेली डीआरआर लाइव. सो आई एम टेकिंग अ सीरीज ऑफ 30 मिनट डेली डीआरआर लाइव, राइट, एंड इन दिस सीरीज यू कैन कवर वन सेट ऑन डेली बेसिस विद मी फॉर योर कैट एग्जाम प्रिपरेशन, राइट. सो 6 एपिसोड्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन. आई हैव given the link of all the episodes in the description part of the video. Please have a visit. I will look at all the episodes. Sabhi 60 episodes are very, very important for CAT exam point of view. Bacho, CAT exam point of view is very important. Bacho, there's a bumper offer for CAT 2021 going on in the month of May for CAT subscription. If you go for a CAT 2021 subscription, agar aap 6 month ka subscription purchase karoge, you will be getting a subscription till CAT 2021. And you'll also, in addition to that, you'll be getting a 10% off if you use the code LRDSMeetLive. If you use the code LRDSMeetLive, this is my referral code. You can use it. You can follow the channel of LRDFrat
that this channel will really help you in covering your pulse levels as well as for your regular practice of logical reasoning and data interpretation. LRDI is summing live. LRDI summing live is a reference code that you can use for the class subscription. There's also a scholarship test where you can stand a chance to win a scholarship up to from a pool of 55. These are the awards depending upon your ranks. And again, you can use my code RIDSMEALLIVE to enroll for the test. You can do it completely free and open. RIDSMEALLIVE is the referral code that you can use. Thank you so much for joining the session, guys. Also, you can attend all of my plus courses on Unacademy Plus, right? I'm taking geometry course, I'm taking an RIDI course, I'm taking a course on arithmetic also. Thank you. See you in the next part. Every day, we'll be doing this brain teaser course, guys. Thank you.